हाय फ्रेंड, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य कुमार केन। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि BCCGD का फॉर्म फिलअप हो चुका है। अभी वो 3 दिन से साइट बंद होने के कारण फॉर्म फिलअप में देरी आ रही थी, इसलिए अब जाके साइट आज खुली है तो फॉर्म फिलअप शुरू हो गई है। तो मेरा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सो सॉरी। और मेरा गला भी ख़राब हो गया है सर्दी की वजह से, इसलिए मेरी वीडियो बनने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है। आवाज़ साफ जाएगी और नेट भी स्लो चल रहा है, साइट भी बहुत बिजी है, इसलिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं खुल रहा है। और मैं फॉर्म का सेकेंड पार्ट भरूंगा और उसमें सेकेंड पार्ट फॉर्म फिलअप करूंगा, पेमेंट प्रोसेस करूंगा और फॉर्म चेक कर लूंगा, वो भी मैं अपने फ़ोन से ही। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये मेरा फ़ोन का डिज़ाइन खुला हुआ है, उस नॉर्मल फ़ोन यूज कर रहा हूँ और मैं इसको प्रोसेस कर दे रहा हूँ एक बार। गला फ्रेंड बहुत ख़राब है और ये आपको एक्चुअली पहले सारा फॉर्म फिलअप करके और आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद अगर आपकी चारों फोटो और सिग्नेचर तक अपडेट हो जाती है तो आपको फिर ये ऑप्शन पे डायरेक्ट आपकी पेज खुलेगी। यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप शुरू होगा। सबनेट स्लो है और साइट भी बहुत बिजी है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और ये साइट खुल रही है धीरे धीरे, शायद हमें लॉगिन पेज पे ये पहुंचाएगी। और मैं आ गया लॉगिन पेज पे। साइड में यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लॉगिन पेज है, यहाँ पे एक्टिव होगी तो ये लॉगिन, यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। मैं अपनी ईमेल आईडी दे दी और मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पे देखना होगा क्या कैप्चा फिलअप करता हूँ मैं, कैप्चा सब कैपिटल लेटर में ही आएगा आपको। और यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा अब आ गया यहाँ पे। ये फॉर्म कॉन्स्टेबल GD CAPFS NIA SSF एंड राइफलमैन GD असम राइफल एग्जामिनेशन के लिए है। जो मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, फिर अप्लाई के बाद प्रिंट का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड ऑफलाइन चलान। अगर आप पेमेंट ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन चलान डाउनलोड कर लें, और ऑनलाइन करना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन पेमेंट कर लें। फिर आप पेमेंट स्टेटस यहाँ से चेक कर लें, इसलिए खुलना नहीं चाहिए। तो फिर एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लें, डबल वेरीफिकेशन पेमेंट होगी। तो मैं अभी करता हूँ जाके यहाँ पर अप्लाई। पेज खुल रही है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये पेज खुल गई। ये पेज लोड हो गई, सारी डिटेल आपको अच्छे से चेक करनी होगी। प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत आप केयरफुल होके फॉर्म को फिलअप करें, अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप यहाँ से मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन आपको नज़र आ रहा होगा। आप आसानी से इस पर मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर ले और यहाँ से जाकर आपको फॉर्म सुधार कर ले।
अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है, ये सब ऑटोमेटिक अपने स्टेशन में फिलअप कर चुका होगा तो आपसे नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे मुझे सेंटर पूछा जा रहा है तो मैं सेंटर चूज कर लेता हूँ। मुझे सेंटर कहाँ देना है, एक में सेंटर मुजफ्फरपुर दे दे रहा हूँ। सेकेंड सेंटर में पटना चूज करूँगा और थर्ड सेंटर में वाराणसी। मैंने तीन सेंटर चूज कर लिए हैं। ये सेंटर थ्री आगरा, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी। तो मैंने वाराणसी चूज कर लिया है, तीन सेंटर मैंने चूज कर लिए हैं। अब पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, मतलब आप पहले से जॉब कर चुके हैं तो नहीं। और आप इसमें पूछा जा रहा है या वेदर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, क्या आप रिजर्वेशन भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं नहीं ये आपको फिलअप नहीं करनी होगी क्योंकि पहले से आपने नो डाल दिया। यस डालते तो आपको ये सब मांगनी पड़ती। अब डायरेक्ट आपको 15 पे आना होगा। 15 पे अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो आप यस करें, वरना आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो नो करें। अब यहाँ पे आपको ये सब पेज बंद है, ये सब आपको नहीं खुलेगी। एज इलेक्शन ये सब वहीं से होगा। तो फ्रेंड मुझे कोई एज में छूट नहीं देना है, तो यहाँ पे एज इलेक्शन कोड तो अपलोड करना नहीं है। अब मुझे यहाँ पे स्टेट अपना पूछा जा रहा है तो मैं अपना स्टेट अपलोड कर दे रहा हूँ। डबल डबल वेरीफाई करना होता है। अब डिस्ट्रिक्ट पूछी जा रही है, डोमेंशियल डिस्ट्रिक्ट कौन से ज़िला से हैं, तो मैं अपना मेरा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है तो मैं अपना समस्तीपुर फिल कर देता हूँ। मैं समस्तीपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। यरमा मैं समस्तीपुर। हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट, तो इसका पूछने का मतलब है कि आपने कभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट हुए हैं, तो नहीं मैं नहीं हुआ हूँ। तो नहीं हुआ तो इसमें ऑटोमेटिक आपको फिलअप नहीं करना होगा, ये सब आपको सब ब्लॉक है। अब यहाँ पे आपको पूछा जाए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोड पुट करना होगा। अब आप कोड लाएंगे कहाँ से, तो आपको यहाँ से मैं जूम कर दिया डिटेल आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, बस ये कर दे डिटेल पे क्लिक। सॉरी अब ये सारा कोड यहाँ पे है। बॉर्डर बीएसएफ के लिए ए है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फॉर सीआईएसएफ के लिए बी है, सीआरपीएफ के लिए सी है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के लिए डी है, इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के लिए ई है, असम राइफल के लिए एफ है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए जी है, सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरी फोर्स के लिए एसएसएफ के लिए एच है। सबसे पहले मुझे सीआरपीएफ तो सी पुट करेंगे, फिर मैं डी पुट करूंगा, फिर मैं ई पुट करूंगा। चलिए मैं यहाँ से इस बैक हो जाएगी एक सेकेंड। यहाँ पे ये क्लोज आ रहा है, इस पे क्लोज पे कर दे क्लिक। अब यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसे, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, इसे पेज पे लिख ले ताकि आपको भरने में दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पे पहले लिख के फिर पुट करूँ। डिटेल पुट कर दे रहा हूँ।
सारा डिटेल ये फिर वेरीफाई करेगा, फिर वही जो आप ऊपर भरे हैं बॉक्स में वही आप नीचे डाल दें। अब मैं ये कर दिया फिलअप। अब एक बार आप ऊपर आके अपनी सारा फॉर्म चेक कर सकते हैं, तो मैं एक बार फॉर्म चेक कर ले रहा हूँ। तो मेरी ऊपर की सारी डिटेल अब सही है। अब मैं 22 नंबर ऑप्शन भरता हूँ। ये बोल रहा है कि क्या आप अपनी डिटेल एसएससी के वेबसाइट पे पोस्ट करना चाहते हैं। उसके अनुसार तुम मुझे अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे नो। अब यहाँ पे आपकी हाईएस्ट एजुकेशन पूछ रही है जो मेरी एंट्री है, यहाँ पे आप 3 लगा रखा है, तो मेरी हाईएस्ट है 10+2। तो मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी क्लिक कर दे रहा हूँ। बाकी मेरी सारी ये सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप है, मेरी फ़ोटो, मेरी सिग्नेचर। अब मुझे यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कैप्चा डाल देना है। तो ज़रा मैं कैप्चा देख लूँ, कैप्चा क्या है, IDBNH सारे कैप्चा कैपिटल में है। मैं कैप्चा डाल दिया हूँ। अब एक बार आप फॉर्म को अच्छे से देख लें, प्रीव्यू पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप प्रीव्यू पे क्लिक कर दें। हमें लग रहा है साइट बिजी हो चुकी है, इसलिए मेरा वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये नहीं भरा है, तो अब पहले मैं यहाँ पे नो कर दूँ, सॉरी। एज रिलेशन, तो एज में कोई छूट नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नो कर दी। रिजर्वेशन भी मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो मुझे यहाँ पे अब शायद मुझे हो जाएगी। एक बार मैं ऊपर से नीचे मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ सब कुछ, सारी डिटेल। तो भाई यहाँ पे ये एज रिडक्शन पूछ रहा है, अगर आपकी उम्र नहीं पूरी है तो आप यहाँ पे छूट का सर्टिफिकेट लगा के इसका फ़ायदा आप उठा सकते। तो मेरी उम्र पूरी चुकी है, तो मैं कर यहाँ पे फ़ायदा नहीं लेना है, तो मुझे नो कर दो। एक्चुअली भाई एक बात बताना भूल गया मैं, आप लोग अपने खुद का फॉर्म भरे। ये मेरा फॉर्म फिलअप है, मैं एक बताने का जरिया बताया हूँ जो किस तरह फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से फॉर्म फिलअप होगा। आप मेरा वाला ही ना फिलअप कर लेना भाई, इतनी मेहनत की है, एक लाइक तो बनती है, प्यारा सा एक लाइक दबा दो और बेल बटन भी ज़रूर दबा दो और सब्सक्राइब बटन दबा के बेल बटन दबा दो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो एक बार फ्रेंड ऊपर से नीचे लेकर फिर अच्छे से सर्च कर लो, कहीं छुट्टी तो नहीं। तो मेरी नहीं है कहीं छुट्टी, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा प्रीव्यू पे। लग रहा है मुझे कहीं छूटा हुआ है, इसलिए मुझे फिर से ऊपर भेज चुका है। मुझे यहाँ पे इसको नो कर देना है। अब शायद मुझे फिर मुझे कुछ छूटा हुआ, तो मैं चेक कर लूँ जो छूटा क्या है भाई मेरे से। एज इलेक्शन एक बार ऊपर से एक सर्विस में नो, एज इलेक्शन नो। अच्छा मेरा पेज जो है, अच्छा ये सब सब फिलअप है। ये सारी डिटेल लगभग पूरी हो चुकी है, तो मैं प्रीव्यू पे करूँ तो हाँ अपर व्यू हो गई। एक बार फॉर्म फिलअप चेक कर ले रहा हूँ कि मेरा फॉर्म सही है कि नहीं है। तो भाई यहाँ पे मुझे लॉगिन मांग दिया, तो मैं पेज को करता हूँ ज़रा लॉगिन।
ये मेरा पासवर्ड था, अपना वाला पासवर्ड देना। ठीक कैप्चा भी डाल दिया, मैं कर दिया लॉगिन। अब तो मैं यहाँ पे एक बार प्रव्यू कर दे रहा हूँ। अब मेरा फॉर्म एक बार चेक बता देगा जो मेरी फॉर्म कैसी है। तो यहाँ पे अपनी एक बार डिटेल चेक कर ले रहा हूँ, मेरी फॉर्म ऐसी निकलेगी जैसा कि आप लोग सेंटर डिटेल भी देख रहे हैं। मुजफ्फरपुर पटना वाराणसी मैंने जैसे चूज की है। नो नो इतना मेरे से बोला गया। फोटो सिग्नेचर और मैं यहाँ पे मेरी सारी डिटेल सही है। मेरी सारी डिटेल यहाँ पे मैंने चेक कर ली, आप भी अपना चेक कर लीजिए। फिर जब चेक हो जाए तो यहाँ पे क्लोज है, क्लोज पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आप क्लोज। तो मेरी फॉर्म आ चुकी है, लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद वो मेरी सारी डिटेल यहाँ पे रेडी है। तो अब मुझे यहाँ पे आई एग्री करके मेरे फिर मुझे कैप्चा देना होगा। मेरा कैप्चा WNFG तो WNFG मैं कैप्चा कर दिया रेडी। और अब मुझे सबमिट पे कर देता हूँ क्लिक। मेरी फॉर्म हो गई फिलअप। जैसा कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन सो यू चेक डिटेल केयरफुली क्लिक ओके। यहाँ मुझे पूछ रहा है कि आपने सारी डिटेल चेक कर ली है केयरफुली, अगर हाँ तो आप ओके पे क्लिक कर दिए। तो मैं ओके पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब ये मुझे प्रिंट के लिए पूछ रहा है, तो हाँ मैं प्रिंट टेक ले रहा हूँ। चुकी है मेरी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरी फॉर्म यहाँ से हो चुकी है। मेरी फोटो नहीं ली, पता नहीं जी, मेरी फोटो अपलोड हो चुकी है। फोटो के लिए अगर इसमें आपको दिक्कत नहीं हो तो आप टेंशन ना लें, फोटो आपको अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे कर दिया बैक। अब यहाँ पे पेमेंट के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ। मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ अभी। अब पूछ रहे हैं पेमेंट किस तरीके से करेंगे, तो मैं पेमेंट करूंगा ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लिक कर ले, मैं पेमेंट करूंगा ऑनलाइन। तो मैं सबमिट पे ऑनलाइन करके क्लिक कर दे रहा हूं। अब मुझे ये मेरी ऑप्शन आ चुकी है पेमेंट करने की। SBI है, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी है। तो मुझे यहाँ से कार्ड से पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर कार्ड से पेमेंट कर दे रहा हूँ। अमाउंट डिटेल है 100 रुपीज़, 100 रुपये आपको पेमेंट करना है। तो आपको यहाँ पे कन्फर्म करना होगा पेमेंट के लिए। एक बार और कन्फर्म करते हैं, फिर ये लगता है मुझे कार्ड नंबर मेरे से पूछेगा। अब ये मुझे पूछ रहा है कि क्या चीज़ है। तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, तो मैं डेबिट कार्ड के रुपये, डेबिट कार्ड मेरे पास सुविधा है, तो मैं कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर दे रहा हूँ अपना।
मेरी सारी डिटेल फिलअप हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पे। यहाँ पेमेंट लोडिंग हो रही है। पेमेंट लोडिंग हो रही है, अब यहाँ से मेरे अकाउंट से ये देखिए, जैसा कि आप लोग OTP एक आ चुका है। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे प्लीज वेट कर रहा है, अब मेरे अकाउंट से 100 रुपये डेबिट हो जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पेमेंट सक्सेसफुल। फिलहाल अभी तो मेरे बैंक से मैसेज नहीं आया डेबिट के, लेकिन लग रहा है अब आ जाएंगे। एक्चुअली फ्रेंड, नेट के प्रॉब्लम के कारण, साइट के प्रॉब्लम के कारण मेरा जो है सो पेमेंट सक्सेस नहीं हो पाया। एक्चुअली OTP आ चुकी है, मैंने पेमेंट सक्सेस कर दिया था बट नहीं हो पाई पेमेंट सक्सेसफुल। बैंक से रुपया भी नहीं कटे हैं अभी तक, और जब दोबारा मैं कोशिश कर रहा हूँ तो ये लिख रहे हैं ए पेमेंट हैज बीन ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड फॉर द सेम रेफरेंस नंबर, योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। अब पता नहीं, मैं आज तो नहीं, अब कल चेक करके देखूँगा, तो बस यहाँ से पेमेंट कर दीजिए और आपकी सारी डिटेल फिलअप भी हो चुकी है, पेमेंट करके अपना वर्कअप शुरू कर दिया। आपका फॉर्म अच्छे से फिलअप हो चुका है, बस पेमेंट होना बाकी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी परेशानी आपको आई है फॉर्म भरने में या हो रही है, तो आप मुझे निफिक्र होकर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट के आधे घंटे में आपकी जवाब उपलब्ध करा दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल बटन दबा दें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक बटन भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।